हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो स्मोकी कट की आई मेकअप लुक। इसमें स्मोकी के साथ सिमर का ग्लैम भी है। ये पार्टी, वेडिंग, फेस्टिवल सब में जाएगा। अगर आप ये लुक रिक्रिएट करना चाहते हैं तो लेट स्टार्ट इट। हम लोग आईब्रो को डिफाइन करेंगे लोग, उसे नीट एंड क्लीन शार्प लुक देंगे लोग। आईब्रो में जो जो गैप है उसे फिल करेंगे लोग अच्छे से। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आईब्रो को ओवर फिल नहीं करना है। अपने आईब्रो लाइन को ही फॉलो करते हुए आपको आईब्रो पेंसिल को ड्रॉ करना है। फिर मैं उसे स्मूदी की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी जैसे आईब्रो नेचुरल लगे। फिर मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी, उसकी हेल्प से मैं अपने आईब्रो के एजेस को डिफाइन करूंगी। मुझे एक क्लीन, एक शार्प आईब्रो की लुक चाहिए, इसलिए मैं कंसीलर से उसे अच्छे से डिफाइन करूंगी। फिर मैं अपने लिप पे कंसीलर को अप्लाई करूंगी, एज आई शेडो प्राइमर, आई शेडो बेस। उसे अच्छे से अपने लिप पे अप्लाई करने के बाद उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। फिर उसे पाउडर्स भी मैं सेट कर दूंगी। आउटर व्यू पे एक स्टिकी टेप अप्लाई करूंगी जैसे हमारे कट क्रीज एक शार्प लुक आए। देन मैं स्मॉल पेंसिल ब्रश लूंगी, इसे थ्री डॉट टेक्निक कहा जाता है। आउटर व्यू पे एक डॉट क्रिएट करना है इनर कॉर्नर पे एंड सेंटर पे, फिर उसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है जैसे हमारा क्रीज लाइन अच्छे से ड्रो हो जाए। बहुत लोगों की क्रीज लाइन पर आई शेडो अप्लाई करने में दिक्कत आती है, इस टेक्निक से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं उसे बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी, सारे एजेस को रिमूव कर दूंगी। फिर से मैं पेंसिल ब्रश लूंगी, उसे आउटर व्यू पे स्मोकी लाइनर की तरह ड्रॉ करूंगी। हम लोग पूरे लिट को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ लाइनर जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ आई शेडो अप्लाई करेंगे लोग। आपको पूरे लिट को कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ आई लाइनर तक लगाना है बस। फिर मैं एक शार्प नीट एंड थिन आईब्रो ब्रश की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ करूंगी। इसके लिए आपको स्मॉल फ्लैट ब्रश ही यूज करना है। हम लोग पूरा लिट पे कंसीलर नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपने कट क्रीज को डिफाइन करने के लिए बस कंसीलर लगाएंगे। फिर मैं गोल्डन शिमर शेड लेके अपने जो मैंने कट क्रीज किया वहाँ पर अप्लाई कर दूंगी। फिर मैं टेप को रिमूव कर दूंगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल शार्प लुक आया। फिर मैं लाइनर ब्रश की हेल्प से लाइनर ग्लो करूंगी, हमें लाइनर स्मोकी टाइप ग्लो करना है, शार्प ग्लो करना है। पहले मैंने आपको भी ग्लो किया, फिर मैं उसे सेंटर तक कनेक्ट कर दूंगी, फिर इनर कॉर्नर से सेंटर तक कनेक्ट कर दूंगी। हमारा विंग आईलाइनर विद शार्प रेडी है। देन मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से लाइश पे कलर को अप्लाई करूंगी जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था।
अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन मस्कारा अच्छे से कोट करूँगी, जिससे फेस लैशेस एंड रियल लैशेस एक दूसरे में मिक्स हो जाए। फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे लोग दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।